के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा और इसकी कैसे नाम पड़ा ढाई दिन का झोपड़ा, इसको क्यों कहा जाता है, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए ये ढाई दिन के झोपड़े का बाहर का ग्राउंड का मंजर है, काफ़ी खूबसूरत मंजर है। और ये ढाई दिन का झोपड़ा जो कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के जो वफादार थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने जो बनवाया था तो ये 60 घंटे में बनवाया था। तो 60 घंटे का अगर आप वो करेंगे तो ढाई दिन हो रहा है, तो इसी वजह से भी ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जिन्नों ने तामीर करा था तो वो ढाई दिन के अंदर करा था। इसकी दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी इसकी यह है कि इसको ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ढाई दिन का उर्स लगता है, तो इसको ढाई दिन का झोपड़ा भी इसलिए कहा जाता है। और इसकी खूबसूरती देखिए, और इस पर अरबी में लिखाई हुई है, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये ऊपर को जो इसके छत पर चढ़ने का जीना देख रहे हैं, ये सामने से बंद है क्योंकि इस पर अरबी में लिखाई हो रही है, वो उर्दू लिख रहा है, ऊपर बंद कर रखा। और इसके जो छत में पिलर, ये पिलर जो हैं इतने काफ़ी सारे पिलर हैं, अगर आप गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे आसानी से। और इसका जो छत है, तो इसकी छत में जो इसके गुंबद वाला डिज़ाइन है, हर एक में अलग तरह का डिज़ाइन है। ये देखो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये देखो पिलर कितने हैं, लाइन से पिलर हैं, काफ़ी पिलर हैं, काफ़ी खूबसूरती के साथ तरह से बनाया गया है। ये ढाई दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है, बल्कि ये एक मस्जिद है। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये देखो ये गुंबद कितना खूबसूरत है, ये देखो ये काफ़ी आप करीब से देखो, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।